क्लास 11th केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें एक है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर यील्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन को अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करें, इसको जलाएं अगर हम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। स्मॉल स्केल में कार्बन मोनोऑक्साइड को हम फार्मिक एसिड से भी बना सकते हैं। फार्मिक एसिड HCOH को हीट करेंगे 373 कार्बन टेम्परेचर तक। इन प्रायंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कॉमर्शियल स्केल में इट इज प्रिपेयर बाय पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक, कोक से बनती है ये। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दस प्रोड्यूस आल्सो कॉल्ड वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम वाटर गैस भी कहते हैं, इसका बहुत बार मल्टीपल भी आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दोनों को हम कहेंगे वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस। कार्बन प्लस वाटर स्टीम 473 केल्विन टेम्परेचर से लेकर 1273 केल्विन टेम्परेचर तक। When air is used instead of steam, a mixture of carbon monoxide and nitrogen is produced, which is called producer gas. इसको हम producer gas कहते हैं। Carbon plus oxygen in presence of nitrogen, 1273 carbon temperature, carbon monoxide और nitrogen gas बनती है, जिसको हम दोनों को इकट्ठे कहते हैं producer gas. On small scale, pure carbon monoxide is produced by dehydration of formic acid. ये तो हमने आगे कर दिया। When air is used instead of steam, जब हम air इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पास producer gas बन जाती है। Water gas and producer gas are very important industrial fuels. Carbon monoxide इन वाटर गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबशन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हीट। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है तो फिर हमारे पास बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जलती है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस, ऑडरलेस एंड वाटर इनसॉल्युबल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस होती है, ऑडरलेस है, बिना खुशबू के, और वाटर में नहीं सॉल्युबल होने वाली गैस। इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस ऑल मेटल ऑक्साइड्स अदर देन दोज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड को छोड़कर बाकी सबकी रिडक्शन कर देती है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इफ यू ट्रांजिशन मेटल को छोड़कर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स फ्राम देयर ऑक्साइड्स ओर्स। जैसे आयरन ऑक्साइड, आयरन की ओर है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी रिडक्शन करेगी तो आयरन अलग तो खुद बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई खुद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो गई और इसकी रिडक्शन कर दी कार्बन मोनोऑक्साइड ने, देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड के
की रिडक्शन करके जिंक बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक से ऑक्सीजन ले गई और जिंक को अलग कर दिया, जिंक के रिडक्शन कर दी। इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल देयर आर वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो है पाई बॉन्ड्स। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्ट्स एज ए डोनर एंड रिएक्ट्स विद सर्टन मेटल व्हेन हीटेड टू फॉर्म मेटल कार्बोनाइल। ये मेटल कार्बोनाइल्स बना देते हैं। द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अराइजेस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दिस प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स टू कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन डेथ। और इसलिए ऐसे केस में डेथ भी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज प्रिपेयर्ड बाई कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल इन एक्सेस ऑफ एयर। कार्बन को जब हम जलाते हैं एक्सेस ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मीथेन को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाई द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन द लेबोरेटरी इट इज ऑन कमर्शियल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग लाइमस्टोन। इट इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर मेक्स इट ऑफ इमेंस बायोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल इम्पॉर्टेंस विद वाटर। इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, विच इज ए वीक डाइवेसिक एसिड एंड डिसोशिएट्स इन टू स्टेप्स। दिस इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस वाटर, तो HCO3 बन नेगेटिव और H3O बन पॉजिटिव। HCO3 बन नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन फिर पानी से रिएक्शन करेगा, बन जाएगा कार्बोनेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन दोनों मिलकर बनाते हैं बफर सिस्टम। हेल्प्स टू मेंटेन pH ऑफ द ब्लड 7.2 से लेकर 7.4 तक मेंटेन करके रखते हैं। बीइंग एसिडिक इन नेचर इट कंबाइंस विद अल्कलीज टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉर्मली प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.03% बाई वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। इन द एटमॉस्फेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में तो वहां पे इस्तेमाल हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज। द ओवरऑल केमिकल चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं।
By this process, plants make food for themselves as well as for animals and human beings. Unlike carbon monoxide, it is not poisonous, but the increase in the combustion of fossil fuels and decomposition of limestone for cement manufacture in recent years seem to increase the carbon dioxide content in the atmosphere. This may lead to increased greenhouse effect. कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच माइट हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ड्राई आइस. बाई अलोइंग द liquefied carbon dioxide to expand rapidly, dry ice is used as a refrigerant for ice cream and frozen food. Gaseous carbon dioxide is extensively used to carbonate soft drinks. Being heavy and non-supporter of combustion, it is used as extinction. A substantial amount of carbon dioxide is used to manufacture urea. In carbon dioxide molecule, carbon atom undergoes sp hybridization. Two sp hybridized orbitals of carbon atom overlap with two p orbitals of oxygen atom to form two sigma bonds, while other two electrons of carbon atoms are involved in p-pi bonding with oxygen atom. This results in the linear shape CO bond key of equal length 115 picometer with no dipole moment. इसमें कोई dipole moment नहीं होते हैं. The resonance structures are shown below. This is carbon dioxide. तीन बॉन्ड्स इस साइड लिखेंगे, एक इस साइड, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव. दूसरे मॉलिक्यूल में हम ऐसे दिखाएंगे, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं, दो बॉन्ड यहाँ पे, दो यहाँ पे, और तीसरे में इस साइड पॉजिटिव चार्ज, इस साइड नेगेटिव चार्ज. तो दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके.